प्रीव्यू के लगभग 200 इंटर्न्स 1 जून से अभी तक जो भी प्रशासन ने बोला है वो सारी कोविड ड्यूटियाँ कर रहे हैं, जो भी बोला है मॉर्निंग ड्यूटीज आफ्टर ड्यूटीज नाइट ड्यूटीज भी कर रहे हैं। हमारी मांग तब से है जब मुंबई के और पुणे के इंसेंटिव बढ़े थे कोविड की वजह से, बाकी के नर्सेस के बढ़े, आशा वर्कर्स के बढ़े, डॉक्टर्स के बढ़े अलग अलग, लेकिन हमारे आज तक नहीं बढ़े। पिछले महीने में हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने हमको कहा था कि तुम्हारे इंसेंटिव हम बढ़ा देंगे, लेकिन एक महीना हो गया उनसे कुछ हमें लेके आश्वासन नहीं मिला। हम एक हफ्ते पहले फिर एक बार गए थे, जहाँ के खासदार से हम मिले, आमदार से मिले, उन सब की हमारे मांग को, हमारी डिमांड जो भी है उनको उनका सपोर्ट है, और उन्होंने ये बात कलेक्टर साहब के सामने मंडे की मीटिंग में रखी हुई है। इसके बावजूद भी कलेक्टर साहब का ऐसा कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन हमारी मांग ये है कि जो भी है आपका, जब भी फंड आएगा, मतलब एक हफ्ते बाद आएगा, दो दिन के बाद आएगा, जो भी आएगा, आप हमारे लिए फंड मांगो, और हमें आज के आज जो भी है रिटर्न में चाहिए। हम पिछले 2 महीने से हर दिन लगभग जा रहे हैं, लेकिन हमको आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें रिटर्न में चाहिए, और जल्द से जल्द जून महीने से अब तक मिनिमम 19,000 रुपये इंसेंटिव प्लस 11,000 रुपये हमारा स्टाइफन, मतलब 30,000 रुपये मिनिमम हमको जून से अब तक जल्दी से जल्दी चाहिए, और आगे भी जब तक हमारी कोविड ड्यूटी रहेगी तब तक हमें ये 30,000 रुपये इंसेंटिव मिलना चाहिए। ये हमारे मांग इसलिए है क्योंकि मुंबई को 50,000 रुपये इंसेंटिव है, पुणे को 30,000 रुपये है, जलगांव को 50 है, प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, पुणे में BHMS BAMS नर्सेस को भी 25-30,000 रुपये मिल रहा है। हम MBBS डॉक्टर है फिर भी हमको 11,000 रुपये मिल रहा है, 350 रुपये पर डे। ये कोई भी स्किल वर्कर के लिए, और वो भी जब कोविड के टाइम में हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, हमें से 12-13 इंटर्न्स ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुके हैं, फिर भी हम अपनी, और बहुत सारे तो असिम्प्टोमेटिक भी होंगे, इतनी जान जोखिम में डालने के बाद भी 300-350 रुपये पर डे बहुत ही कम है, और हमारे कॉलेज ने भी हमें इसके लिए सपोर्ट किया है। हमारी बस मांग इतनी है कि कलेक्टर साहब ने जल्द से जल्द, मतलब आज ही हमें रिटर्न में चाहिए, और जल्द से जल्द हमारे जून से अब तक के जितना भी स्टाइफंड बचा है 19,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कब तक आपके ये आंदोलन शुरू रहेगा? जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन शुरू रहेगा, और इसके बाद भी आज हम पूरा का पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं। कल से जो नॉन कोविड है उसमें हम जाएंगे, और जो कोविड में हमारी ड्यूटी है उसमें हम नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने कॉलेज प्रशासन को ऑलरेडी इंटीमेशन दिया था, कॉलेज ने भी हमारी मांग रखी थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने अभी तक नहीं सुनी। इसके वजह से जब तक नहीं होगा तब तक हम कोविड का काम नहीं करेंगे। कितने डॉक्टर्स हैं टोटल? लगभग 200 डॉक्टर्स हैं, कुछ इंटर्न्स हैं और कुछ एक्सटर्न्स हैं, लेकिन 200 डॉक्टर्स हैं, और हम एक टाइम पे 60 लोग काम कर रहे हैं, और महीने में हम 20 दिन काम कर रहे हैं, और बाकी के जो कॉलेज है जहाँ पे महीने में 4-5 दिन ही काम है उनकी सैलरी बढ़ा दी है, उनका इंसेंटिव बढ़ा दिया गया है, और हम जो 20 दिन काम कर रहे हैं हमारा नहीं बढ़ा है। कोविड पेशेंट की जो उसके असर के लिए नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर्स है, जैसे कि वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, इंटर्न्स अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे तो पेशेंट पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उन पे जो काम कर रहे हैं अंदर डॉक्टर्स, उन पे काम का बोझा बढ़ेगा, लेकिन हमारी भी मांग होती है कि हमें भी पेशेंट के साथ या फिर किसी के साथ कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, इसके वजह से हम कर रहे हैं। आपका नाम? सोहम भट्ट। पोस्ट क्या है? हम इंटर्न डॉक्टर्स हैं, हम सभी लोग इंटर्न डॉक्टर्स हैं। संगठना कुछ नहीं है, हमारी असमी है, लेकिन हम पूरे के पूरे इंटर्न्स आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे है। हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सब लीडर हैं, और हमारे सबकी मांग नहीं, आम्हाला वेगवेगळ्या कोविड वॉर्डामध्ये कोविड ड्यूटी करण्यासाठी भाग पाडले। 1 जून 2020 पासून आम्ही कार्यरत आहोत, आम्ही रेग्युलर ड्यूट्या करत आहोत, आमची पूर्ण उपस्थिती आहे। ॲट अ टाइम वॉर्डा कोविड वॉर्डामध्ये 50-60 इंटर्न्स पोस्टेड असतात, आणि महिन्याचे 20 दिवस आमचे कोविड वॉर्डामध्ये जातात। आम्हाला नॉर्मल वॉर्डामध्ये काम करण्यासाठी फक्त 10 ते 10 दिवस शिल्लक राहतात। घाटीचे इंटर्न डॉक्टर आम्ही 2 सप्टेंबर रोजी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं की बाकीच्या कॉलेजमध्ये, जसं की BMC चे जे कॉलेज आहेत, पुण्याचं जे BJ कॉलेज आहे, या कॉलेजमध्ये
कोविड इन्सेंटिव वाढून मिळाले, म्हणजे जे जे इंटर्न कोविड ड्युटी करत आहेत तर त्यांना वाढीव भत्ता मिळाला. याच धर्तीवर आम्हीही घाटी प्रशासनाकडे मागणी केली. डीन मॅडमने ही मागणी कलेक्टर साहेबांकडे ठेवली, परंतु कलेक्टर साहेबांकडे आम्ही 15 ते 20 वेळा चक्रा मारल्या तरीही तोंडी आश्वासनाशिवाय आम्हाला त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. आमच्याकडे फंड नाही असे काहीही वेगवेगळे उत्तर त्यांनी दिले, परंतु आम्हाला आता एक ठोस लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आम्ही कोविड वॉर्डमध्ये यापुढे ड्युटी करणार नाही. घाटी रुग्णालयातील किती एकूण इंटर्न डॉक्टर आहे जे संपावर गेले आहेत? आज तब्बल 200 इंटर्न डॉक्टर्स पूर्ण संपावर आहोत. आम्ही कोविड आणि नॉन कोविड आज पूर्ण आमचा स्ट्राईक आहे, पूर्ण बंद आहे. मला एक सांगा, जे किती रुग्णावरती जे कोविड रुग्ण आहे त्या रुग्णांच्या उपचारावरती हा परिणाम होणार नाही का? नक्कीच. आम्ही आउटसाईड रेसिडेंटचं पूर्ण काम करतो. तिथे आउटसाईड रेसिडेंटचं काम म्हणजे आम्ही पूर्ण नोट्स टाकणे, पेशंटच्या रिलेटिव्हला पेशंटबद्दल माहिती देणे, डिस्चार्ज कार्ड भरणे, या सर्व गोष्टी इंटर्न डॉक्टरांवर अवलंबून होत्या. आज 200 च्या 200 डॉक्टर इकडे आल्यामुळे त्या या गोष्टीवर भरपूर फरक पडणार आहे. आणि प्रशासनाला जर इंटर्न डॉक्टरांची खरोखरच जर गरज असेल तर त्यांनी तात्काळ लेखी आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आम्हाला आणून द्यावं. संप कधीपर्यंत सुरू राहणार? आम्ही कोविड प्लस नॉन कोविडचा संप हा 1 दिवसाचा आहे, परंतु उद्यापासून जर आम्हाला जर आज लेखी आश्वासन मिळालं नाही तर यापुढे आम्ही कोविड ड्युटी करणार नाही. नाव तुमचं? डॉक्टर आदेश. हक्क मागतोय, मुंबई पुणे 50,000.